हे गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और लाइफ एंजॉय कर रहे होंगे। सो यार, आज का जो वीडियो है बेसिकली बहुत सारे भाई लोगों के मेरे पे क्वेश्चन आ रहे थे कि महिंद्रा एक्सयूवी 700 और डीजल ऑटोमेटिक सिटी में कितना एवरेज देती है। तो आज मेरे को बेसिकली ग्रेटर नोएडा जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ से मुझे गुड़गांव जाना है और करीब 70-80 किलोमीटर का डिस्टेंस है जो मुझे आज पूरा कवर करना है। मतलब मुझे थोड़ा बहुत दिल्ली में भी घूमना है। सो मैंने सोचा कि यार आज क्यों ना माइलेज चेक करते हैं गाड़ी का। सो चलते हैं, चेक करते हैं माइलेज क्या है। पहले सबसे पहले चल के डीजल भरवाते हैं, तो डीजल में फर्स्ट कट तक भरवाऊंगा और एंड ऑफ द ट्रिप में भी एक बार फर्स्ट कट अप भरवाऊंगा, जिससे मुझे पता चल जाए कि जो माइलेज एमआईडी में दिखा रहा है और जो मैंने कैलकुलेट किया है खुद से उसमें कितना डिफरेंस है। बाकी मैंने एक वीडियो पहले भी बनाई थी माइलेज की, वो हाईवे पे थी और हाईवे और इसमें क्या डिफरेंस आया था कि ऑलमोस्ट सेम ही था जो एमआईडी पे दिखा रहा था, बल्कि एमआईडी पे थोड़ा कम ही दिखा रहा था, जो मैंने कैलकुलेट किया था वो ज्यादा था। सो चलते हैं एक बार दोनों जगह पे कंपेयर भी कर लेंगे कितना डिफरेंस आता है सिटी में। और सबसे पहले डीजल भरवा। अब आ गए हम पेट्रोल पंप, अब भराते हैं यहाँ पे डीजल। तो भाई डीजल भरवा लिया है मैंने, फर्स्ट कट तक भरवाया है। सो एक बार चलते हैं, वैसे बीएफ लेवल भी 82 हो गया मेरा। सो एक बार चलते हैं और अपने ट्रिप और ये फ्यूल को रीसेट मार देते हैं। सो एक सेकेंड, ये हो गया मेरा एवरेज माइलेज जो है उसको रीसेट, और जो अब ट्रिप है उसको भी कर देते हैं अपना रीसेट। और ये बढ़िया है, और बस एक बार मैं एयर प्रेशर भी चेक कर लूं, हालांकि अब तो मैं वहां से आ चुका हूं बट देखते हैं। सो ठीक ठाक ही है, 31-32 है अभी। हाईवे पे थोड़ा सा चलना है, उसके बाद देखते हैं कि तो अपने आप ही थोड़ा बहुत बढ़ ही जाएगा। अब कैमरा कर देता हूं सेट। सो भाई निकल चुके अपनी ट्रिप पे। अभी हमारी सर्विस लेन है अभी एक्सप्रेस वे पे। तो गुड़गांव जाने के लिए अभी जो हम रास्ता प्रेफर करेंगे वो बेसिकली अभी ग्रेटर नोएडा से नोएडा के लिए एक्सप्रेसवे, और उसके बाद वहां से हम नोएडा से डीएनडी होते हुए आश्रम एंटर करेंगे और फिर आश्रम से धौलाकुआं के लिए जाएंगे। थोड़ी बहुत बैकग्राउंड नॉइज आएगी, मेरा बेटा भी मेरे साथ है, फैमिली भी साथ है, तो कोई यार उसको इग्नोर कर लेना। बाकी जो मेरे को लगता है कि इसकी जो माइलेज आनी चाहिए गाड़ी की, हालांकि मेरी गाड़ी में थोड़ी एयर कम है 31-32 जैसा मैंने दिखाया था, तो हो सकता है वो इन सब फैक्टर्स का भी बहुत ही इफेक्ट आता है। और थार हमारी 3-डोर, इसके भी काफी प्राइस कट हो गए हैं। हाँ, सो टायर प्रेशर से भी माइलेज में बहुत फर्क आता है, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं ड्राइविंग के, आप किस तरीके की रोड पे चल रहे हो। सो जो दिल्ली एनसीआर में जो भाई लोग रहते हैं उनको पता है कि नोएडा से गुड़गांव वाला है जो पैच है वो सबसे ज्यादा ट्रैफिक वाले में से एक है। ऑल दो आज वीकेंड है बट स्टिल हम दिल्ली में एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि काफी ट्रैफिक होगा, और नोएडा में भी कुछ एरियाज में जहाँ पे हम दिल्ली के बॉर्डर पे पहुंचते हैं वहां पे भी होने वाला है। और जो मेरे को एक्सपेक्टेड है कि कितना माइलेज आना चाहिए, मुझे लगता है कि यार सिटी में इस टाइम पे 10 तो आना ही चाहिए। बाकी देखते हैं कि एक्सपेक्टेशन कितनी गाड़ी कर सकती है। सो अब सर्विस लेन खत्म होने वाली और हम नोएडा ग्रेटर नोएडा नोएडा एक्सप्रेसवे पे आने वाले हैं। तो यहाँ पे इस रोड पे ऑलमोस्ट 20-25 किलोमीटर चलना है पहले तो माइलेज इसमें तो अच्छी आती है, क्योंकि इसमें बहुत ही रेयरली होता है कि कुछ ट्रैफिक लगता है। हालांकि ये जो सर्विस लेन वाला मेरे घर से पार्ट है, यहाँ पे काफी थोड़ा बहुत हल्का फुल्का जाम लगा रहता है क्योंकि बहुत ही नैरो ब्रिज है यहाँ पे। बाकी साइड में हमारी राइट साइड में मेट्रो लाइन है। सो यार जो माइलेज की बात अगर मैं करूँ तो मैंने काफी टेस्ट किया, और एक नॉर्मल कंडीशन पे किसी हाईवे पे जिसमें ओके ट्रैफिक है उसमें गाड़ी आराम से 16-17 का माइलेज दे देती है,
जो कि मेरे को काफी अच्छा लगता है, और मैंने इससे 18 से 20 तक भी निकाला हुआ है माइलेज। थोड़ा एडजस्ट कर रहा हूँ कैमरा यार, इतना भी आदत नहीं है ऐसे कैमरे लगा के बात करने की। मैंने 18, 19 का, 20 तक का भी माइलेज निकाला हुआ है इसका सर्दियों में, लास्ट ईयर जब मैंने नई नई गाड़ी ली थी और एसी बंद करके एक बार चलाया था, और एक बार मैंने क्रूज पे गाड़ी कर दी थी और 70 पे ही गाड़ी चली थी और ट्रैफिक बिल्कुल नहीं था, तो 20 तक भी गाड़ी आराम से टच हो गई थी। विद एसी मैं नॉर्मली 18, 19 निकाल ही लेता हूँ इसमें अगर मैं प्यार से चलाना चाहूँ, हालांकि हो नहीं पाता है, वो दो में लिमिट में चलाता हूँ, बट एक आपके चलाने का एक तरीका होता है वो बहुत मैटर करता है गाड़ी के लिए। अभी देखते हैं, आज मुझे एक्सपेक्टेड है कि यार इस पैच पे 10 से 11 का माइलेज तो आना ही चाहिए। देखते हैं यार, चलते हैं आगे और देखते हैं क्या माइलेज आता है और सबको क्लैरिटी मिलती है। ये अपना एक्सप्रेस वे फाइनली, थोड़ा सा ट्रैफिक मिला था यार, तो गाड़ी चल रही है अब। और जो टीपीएम उसमें बोल रहा था कि एयर कम है, तो एयर भी अब बढ़ चुकी है। और ये बाबा जी हमें हेलो करते हुए बाकी ये वाला पैच है, ये तो बहुत ही स्मूथ है, हम तुरंत निकल जाएंगे, इसमें ज्यादा कोई टेंशन नहीं है। इस पैच में माइलेज भी अच्छा ही आएगा, इस पे तो मैंने कई बार चेक किया, 15-16 आएगा। मेन जो ट्रैफिक शुरू होगा वो हमारा जब हम बॉर्डर पे पहुंचेंगे दिल्ली के डीएनडी के पास से, सेक्टर नोएडा के 15-16 सेक्टर पे पहुंचेंगे, वहां से माइलेज ज्यादा स्टार्ट होने वाला है, मतलब वहां से ही हमें ट्रैफिक मिलेगा और फिर ऑलमोस्ट गुड़गांव तक मिलेगा ही मिलेगा ट्रैफिक। इसमें हमारी हर तरीके की रोड कवर हो जाएगी, हाईवे भी अच्छा मिल जाएगा, ट्रैफिक भी मिल जाएगा, और थोड़ी थोड़ी मतलब हर टाइप का ट्रैफिक, मतलब दिल्ली में थोड़ा ज़्यादा ट्रैफिक होगा, गुड़गांव में थोड़ा कंपैरेटिवली कम हो सकता है, नोएडा में तो मतलब आप मान के चलो 90% टाइम्स ट्रैफिक यहाँ नहीं मिलेगा, उसके चांसेस हैं अनटिल अनलेस कुछ अनएक्सपेक्टेड ना हो गया और रोड पे। ये है, बाकी यार बहुत ही सही है, बहुत ही अच्छा लग रहा है, गाड़ी चलाने में मजा आ रहा है। टीपीएमएस जो मैं बोल रहा था माइलेज उसमें प्रेशर कम है, वो भी अब 33 सारे टायर्स में शो हो रहा है, इसलिए मैंने थोड़ा कम ही रखा हुआ था, नॉर्मली 34-35 रहता है, तो जब तक मुझे लगता है कि थोड़ा और चलेगी गाड़ी, अभी तो हार्डली 3 या 4 किलोमीटर ही मैं आया हूँ, मैक्सिमम 5 आया हूँगा, तो इसमें ही 33 आ गया, तो 35 तक हो जाएगा थोड़ा चलते ही गाड़ी में, और यही मेंटेन करना चाहिए हमें, 32-33 रखना चाहिए, और जैसी गाड़ी आगे चले तो 35 हो जाए एज पर मी। ऑलमोस्ट 20 किलोमीटर में चल चुका हूँ और नोएडा में अब एंट्री हो चुकी है, ग्रेटर नोएडा से आप देख सकते हैं बड़े बड़े टावर्स। अब सेक्टर 16 पहुंच गया हूँ मैं, और अब यहाँ से डीएनडी एक्सप्रेस वे स्टार्ट हो जाएगा, मैं दिल्ली में एंट्री हो जाएगी, और आप देख सकते हो कि थोड़ा बहुत ट्रैफिक अब स्टार्ट हो गया है। अभी तक ऑलमोस्ट 24 किलोमीटर है मेरे ग्रेटर नोएडा घर से नोएडा तक, कोई ट्रैफिक नहीं था, बट अब हल्का हल्का दिल्ली की पहचान, दिल्ली का ट्रैफिक स्टार्ट हो गया है, और यहाँ से हमें लेफ्ट लेना है डीएनडी पे जाने के लिए। और भाई अपन थोड़ा गलत लेन में थे पहले, क्योंकि वीडियो बनाने पे फोकस था, बट कोई नहीं, धीरे धीरे लेते हैं सेफली। और ये रोड सीधे मयूर विहार चली जाती है, और लेफ्ट हमारा डीएनडी आ जाता है, दिल्ली नोएडा दिल्ली एक्सप्रेसवे। अब देखता हूँ वहां से आश्रम होके जाऊंगा या बारापुल होके जाऊंगा, जो गूगल मैप दिखाएगा उसके अकॉर्डिंग ही जाएंगे। स्टार्ट होते ही ट्रैफिक आप देख सकते हो स्टार्ट हो गया है, अभी आश्रम क्रॉस कर रहा हूँ मैं, और काफ़ी यहाँ पे ट्रैफिक है, ऑब्वियसली फ्लाईओवर बन गया उसके बाद भी इस पे ट्रैफिक रहता ही है, और बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक ही है। देखते हैं अभी आगे कितनी दूर तक ऐसा रहेगा, हालांकि उम्मीद यही थी कि यहाँ पे ट्रैफिक मिलेगा ही मिलेगा, चाहे वीकडे हो वीकेंड हो, यहाँ पे कोई फ्री टाइम नहीं होता है, हर टाइम यहाँ पे ट्रैफिक होता ही है। बाकी ठीक है यार, अभी 20 किलोमीटर से तो हम काफ़ी स्मूथली आ गए थे, अब थोड़ा बहुत तो ट्रैफिक हो गई, ऐसा भी नहीं है कि एकदम क्लियर रोड हमेशा मिले आपको,
और मेन मोटिव भी हमारा यही है टेस्ट करना कि कार सिटी में ट्रैफिक सिचुएशन में क्या माइलेज देती है। सो उसके अकॉर्डिंग ये रोड इस टाइम एकदम परफेक्ट, आप आगे तक देख सकते हो एकदम ट्रैफिक फुल है। और सब इधर उधर से दाएं बाएं से ओवरटेक करने में लगे हुए हैं। तो भाई यही ट्रैफिक चल रहा है तब से बम्पर टू बम्पर, ऑलमोस्ट 10 किलोमीटर से बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक ही चल रहा है। सो 25 किलोमीटर 20 से 22 किलोमीटर एकदम मस्त एक्सप्रेस वे, फिर 3-4 किलोमीटर नॉर्मल ट्रैफिक, और अब ये बम्पर टू बम्पर दिल्ली का ट्रैफिक जिसमें मेरी स्पीड ऑलमोस्ट 20 से 25 के बीच में ही है। बट ठीक है, इससे हमें आइडिया मिल जाएगा कि यार जो रियल कंडीशन है वही टेस्ट हो रही है। और दिल्ली आओ और रेड लाइट ना मिले, सो मैंने वसंत कुंज वाला साइड से कट ले लिया था इंस्टेड ऑफ धौला कुआं, और यहाँ पे आपको पता ही है काफ़ी रेड लाइट्स हैं और काफ़ी बड़ी बड़ी रेड लाइट्स हैं। सो अब ग्रीन हो गई चलते हैं, बट अभी 2-3 में ऑलरेडी क्रॉस पे ऑलरेडी रुक चुका था और कैमरा ऑन नहीं था, बट अब किया है, चलते हैं आगे। एक और रेड लाइट क्रॉस करता हुआ, तो ट्रैफिक जैसा हमें चाहिए था एकदम सेम कंडीशन में ही है कि जिसमें हमें सिटी का माइलेज मिल सके। सो आप देख सकते हो कि सेम ही वैसी कंडीशन है जिसमें काफ़ी ट्रैफिक है, बम्पर टू बम्पर चल रहा है, और हमें एक बेटर आइडिया मिल सकता है। और भाई अब अपना एयरपोर्ट वाली साइड आ गए हैं और यहाँ पे भी काफ़ी ट्रैफिक ही है, ऐसा नहीं है कि मतलब एकदम से बहुत ज़्यादा हाई नहीं है, बट स्टिल ट्रैफिक ऐसा है कि आप 30-40 से ऊपर गाड़ी नहीं चला सकते हो, और आराम आराम से गाड़ी चलानी पड़ रही है यहाँ भी। और दूसरी प्रॉब्लम यहाँ पे ये कि पांच लेने और सब लोग उल्टी सीधी गाड़ियाँ चला रहे हैं, कोई किसी भी लेन में जम मार रहा है। सो फाइनली गुड़गांव पहुँच चुका हूँ मैं, ऑलमोस्ट 55 किलोमीटर हमने कवर कर लिए हैं। अभी स्क्रीन आपको मैं थोड़ी देर में दिखाऊंगा, अभी मेरा मोबाइल लगा हुआ है स्टैंड में और ये मेरे बेटे की आवाज आती रहेगी। सो गुड़गांव पहुंचने में मेरे को ऑलमोस्ट 1 घंटा 20 मिनट के आसपास लगा है, नहीं 1 घंटा 15 मिनट के आसपास लगा है, और 55 किलोमीटर की जर्नी मैंने ट्रैवल कर ली है। सो मैं अभी कहीं गाड़ी लगाता हूँ और मैं शो करता हूँ कि हमने कितना कवर किया है। तो भाई मैं पहुंच गया हूँ गुड़गांव, और ऑलमोस्ट जो मेरा घर था वो यहाँ से 57 किलोमीटर था, जिसमें 25 किलोमीटर बहुत अच्छी रोड थी और जो बाकी के ऑलमोस्ट 30 किलोमीटर थे वो बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक ही था। सो मैं आपको दिखाता हूँ मैंने ट्रिप में कितना कैप्चर किया है, ऑलमोस्ट 56 किलोमीटर और 1 घंटा 18 मिनट लगे मुझे यहाँ पहुँचने में। और अब चलते हैं सबसे सरप्राइजिंग चीज़ की, माइलेज कितना आया गाड़ी में। सो माइलेज से पहले मैं एक बार पहले देखता हूँ कि मेरा TPMS का क्या हाल है, क्या प्रेशर है। तो आप देख सकते हो कि सारी व्हील्स में 35 35 35 और 1 34 है, तो प्रेशर भी सही मेंटेन है गाड़ी का। और अब चलते हैं सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ फ्यूल। सो फ्यूल इकोनॉमी जो मेरे को MID पे दिखा रहा है वो 17.6 है, और अब चलते हैं कहीं डीजल भरवाते हैं और डीजल भरवा के पता करते हैं कि टैंक टू टैंक कितना आया है। नहीं नहीं बस फर्स्ट कट चाहिए। तो मैंने डीजल भरवा लिया है और जैसा आप देख सकते हो 4.68 लीटर आया है, और जो डिस्टेंस हमने इसमें ट्रैवल की है वो भी देख लेते हैं एक बार। सो MID पे जो शो हो रहा है, MID एवरेज दिखा रहा है 15.4 अब, क्योंकि मैंने अभी थोड़ी देर मेरी कार आइडियल भी खड़ी थी 15-20 मिनट से ज़्यादा, और उसके बाद हम सिटी के अंदर घूम रहे थे, तो पहले 17 दिखा रहा था, 15.4 आ गया है। और जो डिस्टेंस हमने कवर की है वो है 16.1 किलोमीटर, और जो टाइम ऑलमोस्ट हुआ है 1 hour 48 minutes, और एवरेज स्पीड भी आप देख सकते हो 33 की है। सो अब एक बार फाइनल कैलकुलेट कर लेते हैं घर पहुंच के। सो भाई मैं पहुंच गया था जहां मुझे जाना था, और जो हमने डिस्टेंस कवर की वो ऑलमोस्ट 64 किलोमीटर्स के अप्रॉक्स थी, और जो हमने डीजल भरवाया वो फॉर हमारा ऑलमोस्ट 4.64 लीटर्स हमने और रिफिल कराया, जो कि बन के आता है 13.96।
किलोमीटर पर लीटर, जो कि एक बहुत अच्छा माइलेज है मेरे ख्याल से सिटी का। मैं तो 10 एक्सपेक्ट कर रहा था। हो सकता है कि शायद ट्रैफिक और ज़्यादा होता तो और ज़्यादा माइलेज डाउन होता, बट ओवरऑल 13.96 माइलेज, क्लोज टू 14 ही होता है, जो कि बहुत अच्छा माइलेज है। और आपको क्या लगता है इस सिचुएशन का? ये मैंने सिर्फ ये वीडियो सिर्फ इसीलिए बनाई थी माइलेज वाली, सिटी वाली, क्योंकि बहुत भाई लोगों ने बोला था कि भाई टैंक टू टैंक फिर से करके दिखाओ हमें और सिटी का बताओ, तो इसलिए मैंने सिटी का करके देखा था। और मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट 13.96 का माइलेज एक बहुत अच्छा माइलेज है इतनी बड़ी गाड़ी के लिए, और वो भी सिटी कंडीशन में। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे और हो सकता है, शायद ट्रैफिक और ज़्यादा होता, मेरे को लकीली कहीं जाम नहीं मिला इतनी दूर आने के लिए, सो इसलिए मेरा माइलेज अच्छा हो। बट आप सोच सकते हो कि 10 से कम तो नहीं मिलता किसी भी कंडीशन में। अंटेनस गाड़ी रुकी हुई है, मेरी गाड़ी इस टाइम पे ऑलमोस्ट 15-20 मिनट खड़ी भी रही है एक ही जगह पे एसी ऑन के साथ। सो गाइज प्लीज बताना। सो अगर वीडियो यहाँ तक देखिए तो यार प्लीज लाइक करो, शेयर करो और कमेंट जरूर करो। और अगर चैनल पे आप फर्स्ट टाइम है तो प्लीज वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।